हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा आपके स्टिपेंडरी ट्रेनिंग्स के लिए। तो इसके लिए आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। इसकी स्टार्ट डेट आपकी 8/7/2019 है और लास्ट डेट 7/8/2019 आपकी रहने वाली है। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 है। और फ्रेंड्स, यहां पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर बात करें यहां पर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग्स के लिए, तो कैटेगरी नंबर 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 43 आपकी रहने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको पोस्ट नंबर दिख जाता है, तो यहां पर आपको पोस्ट कोड दिखेगा, साथ में ट्रेड आपको दी गई है, जैसे यहां पर है आपके प्लांट ऑपरेटर की। यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी कैटेगरी में डिवाइड की गई है। इसके बाद जो एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, इसमें देखिए आपका प्लांट ऑपरेटर के लिए HSC आपकी साइंस स्ट्रीम में आपके पास 60% मार्क्स में आपने पास कर रखी हो, तो साइंस स्ट्रीम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पर भी फ्रेंड्स, HSC आपके पास साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 10th है 60% मार्क्स के साथ और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है 2 ईयर ड्यूरेशन का, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास ITI 1 ईयर ड्यूरेशन की है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो पोस्ट कोड है 3 से लेकर आपका 9 तक, इसमें आपके पास 10th प्लस आपके पास ITI रिलेवेंट फील्ड में जो भी आपको यहां पर ट्रेड दी गई है, इसमें अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप है, या फिर आपके पास 1 साल का ITI प्लस एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड की, तो यहां पर 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,500 रुपए पहले साल और 12,500 आपको सेकेंड साल मिलने वाले हैं। एज लिमिट 18 से यहाँ पर आपकी 22 साल रखी गई है और ये आपकी काउंट होगी 7/8/2019 को। तो आपकी चाहे एज लिमिट की बात करें, चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो वो सभी आपकी 7/8/2019 को ही काउंट होने वाली है। और जो आपकी मार्कशीट है 10th की, उसके हिसाब से ही आपकी जो DOB है वो काउंट मानी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड, जो रिजर्वेशन मिलता है SC OBC या फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट के लिए, वो आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में दी गई है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर और मिनिमम जो वेट है वो 45.5 किलोग्राम आपका होना चाहिए। सेलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें, तो 3 स्टेजेस में आपका यहाँ सेलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। फर्स्ट आपका प्री टेस्ट है, जो कि मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। सेकेंड है आपका एडवांस टेस्ट है, जो कि आपके अगर प्री आप पास करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आपका एडवांस होगा, जिसमें आपसे जो आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। और थर्ड जो है वो आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट है, तो वो आपको यहाँ पर देना होगा जिस भी ट्रेड में आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग है वो आपकी NRB कल्पकम, NRB तारापुर में आपकी कंडक्ट की जाएगी। पोस्टिंग भी आपकी यहीं पर ही कंडक्ट हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी जो ट्रेनिंग है 2 साल की वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स वहां पर आपको जो है परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या पे मैट्रिक्स और आपकी सैलरी रहेगी वो आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, डिसाइड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए किस ट्रेड के लिए आपको क्या काम करना होगा, उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में दी गई है। तो आप अपनी जो है आपकी ट्रेड के वाइज यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सेकंड आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है पोस्ट कोड DR01 एंड DR02। इसमें बात करें टेक्नीशियन सी एंड टेक्नीशियन बी की वैकेंसी है, तो टेक्नीशियन सी के लिए आपका SSC प्लस फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टेक्नीशियन बी पेंटर की अगर बात करें, तो SSC आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और संबंधित क्षेत्र में आपके पास ITI या अप्रेंटिसशिप या फिर आपके पास 1 ईयर जो है ITI प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो एज है वो 18 से 25 साल आपकी रहेगी। DR01 एंड DR02 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम रहेगा। उसके अलावा जो अपर एज में लिमिट छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आप इस फॉर्म को फिल करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान यहाँ पर रखने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई सेक्शन है, तो ये आपको लिंक दिया गया है, ये आपका 8/7/2019 को एक्टिवेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है, जो कि जनरल OBC को देनी होगी, और जो कैंडिडेट है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की,
उनके लिए यहाँ पर आपको फीस में छूट रहती है। और ये जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तब तक आपको ये फीस भरनी होगी, नहीं तो आपका फॉर्म जो है माना नहीं जाएगा भरा हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट है, तो ये आपको यहाँ पर देखिए सब चीज़ डिटेल दी गई है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ प्रूफ, आपकी जो है आपका मूल निवास जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सभी आपको शो करने होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स नीचे आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो चेकलिस्ट फॉर द कैंडिडेट आपको दिया गया है, जो कि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट करना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये देखिए लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो जिस भी लिस्ट में आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे उस पर आपको टिक करना है और वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी फुल डिटेल को चेक कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है, यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप हिंदी में भी इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। पेपर का जो मीडियम है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी से भी आप पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड अलास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।